एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी। हेमंत सोरेन ने सुनाई जेल की आप बीती। सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, साजिश की पूरी कहानी हेमंत सोरेन की जुबानी। जेल से बाहर आकर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने जेल की पूरी आपबीती सुनाई है। मुख्यमंत्री खुद ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने खुद मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए हेमंत सोरेन से सवाल जवाब किए। सुनिए साजिश की पूरी कहानी हेमंत सोरेन की जुबानी। दोस्तों सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतोगत्वा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पूरा राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और बहुत सारे सोच है इस राज्य के प्रति हमारी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के जनजंगल जमीन साथियों, झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है। एक ऐसा राज्य जहाँ कहने का तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग दो वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। ना जाने इतने वर्षों से इस राज्य के प्रति चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में बहुत संवेदनशीलताएं जो इस राज्य के प्रति सरकारों की होनी चाहिए थी वो नहीं रही। 2019 में आपने हमें राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आपने देखा, पूरा देश दुनिया लॉकडाउन के चपेट में आ गया। ऐसे स्थिति में पूरा देश का हालत क्या था वो आप सबको मालूम है, हमारे राज्य की भी क्या स्थिति थी आप सबको मालूम है। सीमित संसाधन, स्वास्थ्य का घोर अभाव, डॉक्टर दवाओं की घोर कमी के बावजूद हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ कोरोना काल को पार किया। हमारे इस जंग में दो दो मंत्री शहीद हो गए और वो सिर्फ इसलिए कि राज्य की जनता की सेवा ये कोरोना काल में भी घर से निकल के कर रहे हैं। उसके बाद कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे। सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी है। इसका शिकार मैं भी हुआ और इसके वजह से मुझे 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन आप लोगों ने जो आशीर्वाद और ताकत मुझे 2019 के चुनाव में दिया था, उस ताकत के बदौलत हमारी सरकार को खरोंच भी आने हमने नहीं दिया। मैं जेल चला गया। आदरणीय चंपाई सोरेन जी को
हमने अपनी जगह सौंप कर मैं कोटवार जेल में चला गया और पांच महीने के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप मैं बाहर आ पाया। आज मैं फिर से इस राज की दिशा को देने के लिए जो मैंने 2019 में ही संकल्प लिया था उसको पूरा करने के लिए आपके सामने आया। साथियों, पांच साल कई चुनौतियों के साथ हम लोगों ने पार किया, कई जंग लड़े, जंग जीते भी, चाहे वो कोरोना का जंग हो कि चाहे वो राजनीतिक अवरोध हो, चाहे वो राजनीतिक साजिश हो हमारे विपक्ष के द्वारा, उन सब पर विजय पाते हुए आज हम लोग आपके इस लोकप्रिय सरकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहे हैं। बहुत सारी चुनौती इस राज्य में है, बहुत सारी विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, हमारे आने वाले नौजवानों के स्कूलों के विषय की बात हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार को लेकर बात हो, चाहे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे वो राज्य में आधारभूत संरचनाओं को, सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से किस तरीके से रोजगार दिन ब दिन घट रहे हैं, छोटे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग जो छोटे मझोले हैं वो देश छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, दूसरे देशों में अपना रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ के नौजवान भटकने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं। साथियों, राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे विषयों की आवश्यकता, बहुत सारे विषयों पर काम करना होता है और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यकाल में आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि वर्तमान सरकार की सोच और उद्देश्य क्या है और किस रास्ते ये सरकार आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारा वादा झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के प्रति है, हमारी प्राथमिकता हमारे मूलवासी आदिवासी और हम हर हाल में उनके लिए और हर वर्ग के लिए काम अब तेजी से करेंगे और जो आपका अधिकार है, आपका हक है, आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। झारखंड के लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं, ये वीरों का राज्य भी है और हर कोने हर चौराहे में आप हमारे वीर वीरांगनाओं के आप बड़े बड़े
आदमकद के मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जहां हम हर साल हर सुख दुख के विषय में उनके चरणों में जाकर के उनको नमन कर शुरुआत करते हैं। पुनः आज मैं अपने वीर सपूतों को नमन कर इस बाकी की लड़ाई को, बाकी की चुनौती को पार करने के लिए फिर से मैं तैयार हुआ हूं। हमें बहुत बड़े पैमाने में इस राज्य में काम करने की आवश्यकता है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद बगैर यह संभव नहीं है। आप लोगों ने मेरे जेल में रहते हुए भी लोकसभा में जिस तरीके से हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मैं इसका आभार प्रकट करता हूं और ये ऋण मैं कभी उतार भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपके सोच, आपके भावना के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने जिम्मेवारी पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।